बोल कर जायके का इफ्तिताह करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या 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 हो रहा है? बड़ा कुछ सजा हुआ है सायरा। बस आज हम चिकन हांडी बनाएंगे और क्या कहते हैं चॉकलेट शेक बनाएंगे, तो मैंने उसके लिए सब प्रेप करके रखा हुआ है। अच्छा, चिकन हांडी और चॉकलेट शेक। सायरा बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं और हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना जायका दिया है कि भरपूर, वो कहते हैं ना कि दस्तरखान जब सजता है तो खुशबुएं उठती हैं और फिर इंसान का दिल ललचाता है। आज मैंने देखना है कि फैसल भाई किस तरह इस बात पे वो कहेंगे, काबू रखेंगे कि जब ये खुशबुएं उठ के वहाँ तक जाएंगी तो फिर किस तरह चलेगा। लेकिन यही रमज़ान का मज़ा भी है, ट्रांसमिशन का यही मज़ा है। और हम जब ये ट्रांसमिशन से जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि भरपूर अंदाज में हम आपको ना सिर्फ दस्तरखान पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें किस तरह सजाया जाए और किस तरह बजट फ्रेंडली, इस दफ़ा का हमारा इनिशिएटिव है कि किस तरह उसको बजट फ्रेंडली बनाया जाए, तो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन बोल के जायके शुरू करते करते एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोग पकौड़े, समोसे, खाने, सब चीज़ें बहुत खूब खाइए, लेकिन अपना पेट समझकर खाइए। जब आजी और इनकसारी की बात हो रही है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि कल के बचे हुए समोसे और पकौड़ों से किसी बाहर गुजरते हुए गरीब की इफ्तार करवा दी जाए। कोशिश करें जो खाना आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं ना और अपने दस्तरखान पे लगा रहे हैं, वही खाना किसी दूसरे के लिए भी पसंद कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए। फिर तो असल माने में हम आजी और इनकसार वाले लोग हो जाएंगे, सही माने में हम परहेजगार हो जाएंगे और मुत्तकी हो जाएंगे। तो बस यही छोटी सी एक कोशिश है जी। स्टार्ट कीजिए और हमें जल्दी जल्दी क्विक रेसिपीज बताइए। पहले हम चिकन हांडी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसके लिए हम क्या कहते हैं, एक प्याज है, दो टमाटर है और क्या कहते हैं दो टेबलस्पून दही है। बिल्कुल, हम इसको एक पैन में डाल, हम इकट्ठे ही डाल देंगे। जी जी जी, इसका हमें पेस्ट बनाना है। पानी डाल के ये हल्का सा मशी सा हो जाएगा, फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, नो ऑयल? नहीं, अच्छा ऑयल नहीं डालेंगे इसमें, नहीं डालेंगे। वो पड़ा है ऑयल की बॉटल पड़ी है, मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए, अच्छा ओके। और मैं आपके लिए ऑयल भी निकाल कर रख देती हूँ। आप लोगों से मैंने कहा था कि अपनी जितनी रेसिपीज हैं वो भी हमारे साथ शेयर करते चले जाएं, उससे ये होगा कि हमें भी अंदाज़ा होगा कि आप लोगों का दस्तरखान कैसा सज रहा है। और जैसे जैसे हमने महंगाई का बायकॉट किया हुआ है और मुझे हाथ धोने हैं, बोला गया है कि आपने हाथ नहीं धोए, किचन में तो आप आ गई हैं और आप हाथ नहीं धो रही हैं, तो हाथ धोने के लिए लाजमी हम वहाँ चलते हैं। लेकिन जंग से भरपूर, कहते हैं ना जंग जीतनी हो तो लाइफ बॉय मौजूद है, लेकिन इस लाइफ बॉय के साथ साथ आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करूँगी। याद रखिएगा, बहुत मुश्किल हालात थे जो कोरोना आया और कोविड के दिनों में से हम लोग बाहर निकले हैं, हमने ये जंग जीती है, लेकिन ये जंग जारी है। क्योंकि अगर आप सब ने न्यूज़ सुनी है, पढ़ी है, तो आप सबको पता होगा कि कोविड फिर से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने इफ्तार में ये दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को, तमाम इंसानों को कोविड से बचा कर रखे और जितनी जल्दी हो सकता है इससे हमारी जान छूट जाए। ओ गॉड, कोई बात नहीं, नया नया हो जाएगा, यू जस्ट डोंट वरी। प्लीज इसको ओपन कर दीजिए थोड़ा सा ताकि मैं भरपूर अंदाज में हाथ धो सकूं। अच्छा, एक बात जरूर कहूंगी, हम कोशिश करते हैं जब हम हाथ धोते हैं तो हम हाथ धो के बस भागने के अंदाज से जाते हैं, लेकिन सिंक मेरा भी यहां पर है, लाइफ बॉय का सिंक लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सकता है रब करके हाथ धोइए। और हाथ धोने के बाद जैसे आप खाना पकाते हैं, वो कहते हैं ना जब वजू करते हैं तो कोशिश की जाती है कि उसको खुश्क ना किया जाए, क्योंकि ये पानी के कतरे जहाँ जहाँ गिर रहे होते हैं वहाँ वहाँ हमारी गवाही दे रहे होते हैं कि बावजू इंसान इसने अभी अभी वजू किया है। इसी अंदाज में जब खाना खाने लगते हैं तो आपको टैप या किसी टिश्यू से अपने हाथों को ड्राई करना है। तो हमेशा जब भी आप हाथ धोने की या सफाई सुथराई की बात करें, जर्म से बचने की बात करें, तो लाइफ बॉय हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आपने ऑयल डाले, अब हम इसमें क्या कहते हैं अपनी चिकन को सौते करेंगे, तेल मशी हो रहा है, फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा ओके, इतने हम मसाला तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको मेरी किसी मदद की जरूरत जी, है? जी जी बिल्कुल बताऊंगी आपको। एक लम्हा नहीं लगाया उन्होंने कि नहीं 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 प्लीज, आप अच्छी लग रही है, मत करें कपड़े मेरे साथ सीवो का ग्रुप है एक,
और समिया जमील मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। जब मैंने उनसे ये बात की कि हमारे पास बोल के जायके का प्लेटफॉर्म है, तो आपके पास बड़े ही मज़ेदार किस्म के खाने होते हैं और आप हर दफ़ा में जब भी बुलाती हैं दावत पे तो वो एक नई कोई रेसिपीज़ होती हैं, तो क्यों नहीं उन तमाम की तमाम ख़वातीन को हम आप लोगों के साथ भी, वो कहते हैं ना, मुलाकात भी हो जाएगी, आप लोगों को भी पता चलेगा कि एक खातून खाना घर में रहते हुए अपने बच्चों को पालते हुए कितनी मेहनत के साथ अपना जो करियर है, जो अपना पैशन है, उसको आगे लेकर चलती हैं। तो सायरा भी उन्हीं ख़वातीन में से एक हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में न सिर्फ अपना घर चला रही हैं बल्कि अपना पैशन भी आगे लेके जा रही है। लेकिन सायरा बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि उनकी वालदा उनके साथ हैं। अभी मैंने उन्हें यहाँ बिठाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती अता फरमाए। अपने माँ बाप की अगर वो बुज़ुर्गी में पहुँच गए, अगर नहीं भी पहुँचे हैं भाई, इस हमारे एजों के भी हैं, तो फिर भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सकता है अपना प्यारा वक्त जो है ना वो उनके साथ गुजारें, क्योंकि एक्चुअली जो आपका टाइम जो इनके साथ गुजरा हुआ है वही ज़िंदगी का सरमाया है, और उससे होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि ये रेत हाथ से फिसलने से पहले जितना कुछ हम सीख सकते हैं, जितनी दुआएं हम समेट सकते हैं, हम इनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, बहुत खुशकिस्मती। फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता, नहीं कर सकते आप फैमिली सपोर्ट के बगैर, और मेरी वालदा हयात नहीं है बल्कि मेरी सास भी हयात नहीं है, तो इस बात का एक वो होता है, यूँ लगता है बस छत नहीं रही, दुआओं की छत भी नहीं रही हमारे सरों पे। तो बस अल्लाह पाक जिनकी माएँ गुजर चुकी हैं, माँ बाप गुजर चुके हैं, उनकी मगफरत फरमाए, और जिनके हयात हैं उन्हें लंबी उम्र दे सेहत तंदरुस्ती के साथ, आमीन। अच्छा, अब चिकन का कलर जब चेंज हो गया तो हम इसमें मसाले स्पाइसेस ऐड करेंगे। ओके, आपने क्या क्या डाला है? जीरा, हाँ, नमक, ब्लैक पेपर, ओके, कुटी हुई लाल मिर्च, अपने अपनी डिशेस के नाम जरा बार बार रिपीट कर दीजिएगा ताकि हमारे नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें पता हो। आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी, ओके, और चॉकलेट शेक। ठीक है, हम बोनलेस हांडी बना रहे हैं और चॉकलेट शेक है, और साथ में आपको एक इजी रेसिपी मैं दूंगी, उसे कहते हैं ब्रेड पकौड़ा भी बना सकते हैं, डबल रोटी के साथ आप पिज्ज़ा भी बना सकते हैं, जिसे कहते हैं वेजी पिज्ज़ा कह लें, आप किसी भी अंदाज का आप वो कहते हैं ना मसाला बनाकर रख लें। मेरे पास आलू, मैंने जैसे शुरू में कहा मेरे घर में आलू बहुत खाए जाते हैं ब्रेड रोल की सूरत में हर अंदाज के अंदर, तो मेरे पास ये पड़े हुए हैं, एक अंडा मैं इसके अंदर डालूंगी, इसको ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी, इसे दोनों तरफ से मैं तल लूंगी, और आपके बहुत ही मज़ेदार किस्म का वो कहते हैं ना स्टार्टर या वो जो फ्राइंग आपकी जो रह जाती है कि हाँ ये कुछ पकौड़े नहीं थे, कुछ समोसे नहीं थे, तो वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, अदरवाइज़ तो आप कहेंगे कि खाना खिला दिया आपने। अच्छा, ये क्या डाल रही हैं? हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, दो टेबल देसी के अंदर चाइनीज तड़का जी। अच्छा, ये सारी आपने बोनलेस ही ली है? जी जी, मैं बोनलेस। ठीक है, और हम चिली सॉस डालेंगे, चिली सॉस भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसको मिक्स कर लेंगे और बस इसको भूनेंगे। हाँ, इसको क्योंकि दही तो इसमें डल चुका है। नहीं, अभी इसको हम ब्लेंड करेंगे, दही इसमें है हमारा। अच्छा, ये इसको ब्लेंड करने के बाद आप इसको इसमें डालेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, अगर जैसे हमारे पास लेट्स सपोज चिकन इस टाइम बहुत महंगा है और हमने हांडी बनानी है या हमने कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी है, तो आप इस अंदाज में कर सकते हैं कि आपने दही जो है उसको छान कर रख लें, मतलब दही को कपड़े में बांध लीजिए और उसका जितना पानी है वो नीचे कटोरा रख दीजिएगा, उसका पानी ज़ाया नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो खट्टा पानी है वो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप खानों में डाल सकते हैं, उसमें एक टिंच जो वो खटास की है वो ऐड ऑन हो जाती है, और उसके अलावा जब ये जो खाना बनेगा आप उसके अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसको। तो आपने उसको बांध दिया, ग्रीक योगर्ट की तरह हो जाएगा, जितना हो सकता है उसको खूब अच्छे से खुश कर लें, करने के बाद वो एक थिक सा आपके पास पेस्ट आ जाएगी, उसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा ऐड करें, उसको खूब अच्छे से रब कीजिए एंड देन पेड़े बना लीजिए छोटे छोटे, उसको आप फ्राई कर लें, हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगाना चाहे वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो वो दोनों साइडों से सिक जाएगा, अंदर से वो नरम रहेगा बाहर से वो कड़क हो जाएगा, जस्ट काइंड ऑफ पनीर। मसाला सारा यही बनाइए और उसके अंदर वो आप
पनीर के जो टुकड़े बनेंगे दही के पनीर के, वो आप उसके अंदर डाल दीजिए, और एंड में वो जो पानी था खटास वाला वो उसके अंदर ऐड ऑन कर लें और दम लगा दें, ऊपर से धनिया डालें। ये इतनी मज़ेदार आपकी हांडी बनेगी। और अगर आप इसमें मलाई ऐड करते हैं थोड़ा सा कोई भी, या क्रीम ऐड करते हैं, दूध ऐड करते हैं, तो ये आपकी मलाई हांडी बन जाएगी। तो ये सोचा जाता है कि अगर हालात अच्छे ना हो तो उसको बेहतरीन अंदाज में गुजारने का एक तरीका और सलीका जो है वो बहुत सलीका शौहर ख़वातीन को होता है। वो ख़वातीन जो अपने घर की इज्जत भी रखती हैं, पर्दा भी रखती हैं, और महंगाई में, तकलीफ़ में, अच्छे बुरे दिनों के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में, बजट फ्रेंडली अपने घर को लेकर चलती हैं। तो ट्राई करके देखिएगा, ये खाना बहुत मज़े का बनता है। आप इसी सेम रेसिपी से सब्जियों की हांडी भी बना, बिल्कुल सब्जियों की हांडी बहुत मज़े की बनती है, उसमें आप गोभी, आलू। अच्छा, ये मैंने पनीर इसलिए कहा है ज़ाहरा कि इसके अंदर जब आप खाते हैं ना तो आपको वही चिकन वाली चीज़ आती है, और फिर वही वाली बात है, प्रोटीन भी आपका पूरा हो जाता है, तो ये इसलिए है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बेहतरीन। हम इस टाइम बोल के जायके के प्लेटफॉर्म से आपको बड़े ही मज़े के ब्रेड पकौड़ा बनने दिखा रहे हैं, लेकिन ये कि जल ना जाएं, बस सिर्फ ये पलट लेंगे भी फ्रंट वाले भी। आपको जैसे जैसे महंगाई की बात करते चले जा रहे हैं कि महंगाई के लिए हम आपको कुछ ना कुछ तरकीबें ज़रूर बताएंगे। इस वक्त मेरे पास जो चीज़ मौजूद है वो है पाकिस्तान का नंबर वन डिश वॉशर, लेकिन इसमें इस टाइम महंगाई और डिश वॉशर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस महंगाई में ये 3 गुना ज़्यादा बर्तन धोने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1000 नींबुओं की ताकत से बना। इस बार अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। लेमन मैक्स की जो बार है वो भी 30 दिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रमज़ान में बर्तन बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद हम बार बार इस चीज़ की परेशानी को देखते हैं और महंगाई बहुत है, आप परचेजिंग करते हैं, कोई और लिक्विड बार लेकर आते हैं तो ये लिक्विड सोप लेकर आते हैं, तो उसमें आप उतने बर्तन नहीं धो पाते जितने ये 1000 नींबू की ताकत वाला लेमन मैक्स होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होकर यह हमारे पास है और 3 गुना ज़्यादा बर्तन धोएगा, ये हमारा दावा है। तो आप सब ने करना क्या है, लेमन मैक्स लेकर आना है ताकि हमारे बर्तन जो हैं वो जल्द से जल्द धुले, ना सिर्फ और सिर्फ के साफ हो जाएं और हमें इतना टाइम मिल जाए कि कम से कम हम अपनी इबादत को अच्छा वक्त दे सकें। तो इसलिए ये बोला गया, ये मुझे, ये आप उधर रखा। यहाँ पर चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और इसकी रेसिपी जो है सायरा आपको क्विक रेसिपी का एक, वो कहते हैं ना, गो थ्रू करवाएंगी और इसमें बताएंगी कि इन्होंने किस अंदाज में बनाई है। वो जो पेस्ट हमने बनानी थी वो हमने बनाकर रख ली है, वो हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे और इसको सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग होनी बाकी है और इसको डिश में निकालेंगे। तो सायरा जल्दी से मसालों के साथ बताइएगा। पहले हमने प्याज को, टमाटर को और दही को हमने पेस्ट मशी सा करके पानी के साथ उसको ब्लेंड कर लिया। फिर अच्छा, हम मशी के मैं वैसे बता दूं, कहने का मतलब ये है कि आपने प्याज टमाटर को दही के साथ रखा तो वो दही के पानी के अंदर ही वो गल जाएगा और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेना। फिर हमने तेल में लहसुन अदरक डाला था और क्या कहते हैं इसको, चिकन को सौते किया, फिर उसमें 2 टमाटर चॉप करके बिल्कुल डाले, फिर हमने उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और अब मैं ये पेस्ट इसमें डाल के भूनूंगी और फिर हम इसमें क्रीम चीज और बटर डालेंगे। ओके ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, परवरदिगार का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल 7वें रोजे पे है, 3 दिन रह गए हैं अशराए रहमत का। हाँ, और बस सब तस्बीहां फटाफट फेर रहे हैं। 3 दिन इसके भी रह गए हैं और 3 दिन मेरी चीट डे के भी रह गए हैं। चीट डे यानी कि फिर ओके, संडे को चीट डे, संडे को हमारे यहाँ चीट डे, और संडे को बड़ी आपने मिस नहीं करना बिल्कुल भी बोल के जायके, क्योंकि संडे को बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपीज बन रही हैं। बड़ा जबरदस्त सा खाना बन रहा है आपका, और हम तो जहाँ ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी बातें भी पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और बहुत सारी ट्वीट्स भी हम देख रहे हैं, और मैं भी कुछ ट्वीट्स मेरी नज़र से गुजरी, मैं सोच रहा था उस पर बात की जाए। वैसे तो मेरा स्टार नाथ खां का ये सिलसिला है, बिल्कुल, पर मैंने कहा कि थोड़ी सी एक बात की जाए। एक ट्वीट आई, वो ट्वीट में मुझे किसी ने भेजी और कुछ और दोस्तों ने भी इस हवाले से ज़रूर लिखा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे भाई मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से, और
कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जी लास्ट ईयर जब वो प्रोग्राम कर सकते थे तो आप लोगों ने उस साल तो किसी ने भी किसी चैनल ने उनको हायर नहीं किया और इस साल जो है सारे अपना चूरन बेच रहे हैं। तो बात यह है कि ये इंतजार फैलाने की बजाय लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैलाने की बजाय आप अगर ये बात करें कि जिस वजह से मेरे उस दोस्त की जान गई है, जिन लोगों की वजह से गई है उनके बारे में अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर। वसीम बदामी है या और मेरे कुछ दोस्त हैं कि किसी तरह से आमिर को उस डिप्रेशन से हम बाहर निकालें, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके उस सारी चीज़ों में और वो हमें छोड़ के चला गया। पर बात यह है कि किसी की नीयत पे शक करने की बजाय, किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की बजाय आप कोशिश ये करें कि उस वजह को जानें कि क्या ऐसी वजूहत थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की और आप तो लास्ट बल्कि उनको कब्र में भी आप ही ने उतारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक एक सच्ची बात है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो मैं बमुश्किल 5 दिन पहले मैं इस प्रोग्राम में आया था, 5 दिन पहले सिर्फ, क्योंकि उससे 5 दिन पहले कुछ और प्लान था बोल का, लेकिन हम जो कर सकते थे हमने कोशिश की है। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है या आमिर जानता है। बाकी कोशिश करें कि लोगों में इंतशार फैलाने के बजाय, लोगों को गुस्सा दिलाने के बजाय, रमज़ान का बड़ा आपकी जो भी बात है सर आँखों पर, लेकिन हाँ एक बात आपकी सच्ची है कि इस मुल्क में वाकई आपको अपने आप को साबित करने के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि हम मुर्दा परस्त कौम है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन किसी की नीयत पे आप शक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी इन ट्वीट करने वालों से कि हम जिसने भी इस रमज़ान के शुरू से डॉक्टर साहब को याद करना शुरू किया है, हमने बारहा ये बात की है कि जब तक रमज़ान ट्रांसमिशंस होती रहेंगी आमिर लियाकत का नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि वो बानी है इन ट्रांसमिशंस के और इसमें कोई शक नहीं। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि ये सब जितने लोग ट्रांसमिशन करते हैं वो सब ये कहते हैं। डॉक्टर साहब से बेहतर मजे की बात बताऊँ, आमिर ने लास्ट ईयर जिस चैनल पे ट्रांसमिशन करनी थी उन्होंने उनको 2 दिन पहले मना किया, सिर्फ 2 दिन पहले कि नहीं हम इस साल ट्रांसमिशन नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से भी, और उसी चैनल पे मेरे ख्याल से आप भी मौजूद हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, तो एनीवे अच्छा लेकिन फैसल एक चीज़ और ऐड ऑन करते हैं, जिन्होंने ट्वीट की उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि पिछले रमज़ान से पहले जो एक्सप्रेस का रमज़ान रहा है, हाँ। आपको मैं मुझे कहने में कोई आर नहीं क्योंकि मैं उसका हिस्सा थी उस टाइम पे, वो रमज़ान भी डॉक्टर साहब के लिए इंतहाई मुश्किल गुजर रहा था। हाँ, मुझे और याद बहुत दफा उन्होंने कहा कि आप संभाल ले मेरा किचन, हालांकि डॉक्टर साहब किसी को अपना किचन आयत थी वहाँ पे, इसलिए मुझे पता है, मैं जाता रहता था, देखता रहता था। मेरी आपकी मुलाकात हुई, अल्लाह पाक आमिर के दर्जात बुलंद करे और कोशिश ये करें, क्योंकि बेल हो गई है उस इंसान की जिसकी वजह से मेरे दोस्त की जान गई है, तो अगर बात ही करनी है तो उस टॉपिक पे करें, ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हमें टारगेट बनाने की बजाय। आप कोशिश करें कि जो हकीकत है उससे पर्दा हटाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर मज़ीद तफसील जाननी है तो कॉल मी, मैं बहुत सारी बातें ऑन एयर नहीं कर सकता, मुझे फ़ोन करें, मैं आपको सारी तफसीलात बताता हूँ कि क्या ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ और जाना तो सबने है एक दिन, लेकिन इस अंदाज में नहीं, इस अंदाज में इतनी तकलीफ में नहीं। ये खाना आपका कब तक बन जाएगा? बिल्कुल जी, खाना तैयार है, हमने रेसिपी भी दोबारा से बता दी है बिल्कुल बता दी है, सिर्फ इसको डिश आउट कर रहे हैं। मैंने एक छोटी सी रेसिपी बताई थी, बहुत डिफरेंट हम कर रहे होते हैं, तो ब्रेड के ऊपर एनीथिंग कुछ भी लगा लें, बटर लगा लें, गार्लिक डाल लें, आलू लगा दें, सब्जी लगा दें, बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा या ब्रेड पिज्जाज बना दें, ज़रूरी नहीं आप समोसे पकौड़े ही बनाएं, और इसको शलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। चॉकलेट शेक बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी है, हांडी आ गई है, नान है हमारे पास, और बस हम इसको डिश आउट करते हैं। आप अपना जो अफ्तार का फैसल हंस रहे हैं, फैसल इसके अंदर क्रीम भी है, जी जी बिल्कुल ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और खुशबू आ रही होगी आपको, बड़े मजे की खुशबू आ रही है, आप लोग डिश आउट करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी जो डिशेज हैं वो बिल्कुल तैयार है, दस्तरखान हमारा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है, सारा जल्दी से क्विक बताएं, चिकन हांडी, मखनी हांडी है, साथ में सैलड बनाया हुआ है, रायता है, नान है, ब्रेड पकौड़ास हैं, चॉकलेट शेक है बच्चों के लिए, और ये सायरा ने घर से कपकेक्स बनाया, कपकेक ज़रूर देखिएगा फैसल, उस पर समोसा भी बना हुआ है, तस्बीह भी है, जायनमाज भी है, खजूर भी है,
और चांद और सितारा भी बना हुआ, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। द पैशन जो फूड बेकरी है, ये जो कपकेक्स हैं ये उनकी तरफ से हैं क्योंकि सायरा की हैं और वहाँ से आए, तो आप लोगों ने ये रेसिपीज ट्राई ज़रूर करनी है और करने के बाद हमें फीडबैक ज़रूर देना है। बस अपना ख्याल रखिए, जैसे मैंने कहा है बासी चीज़ें नहीं लोगों को खिलानी, अपना जो दस्तरखान सजाते हैं वही दूसरों के साथ शेयर करना। माशाल्लाह, पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।